ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप अपनी डेली रीडिंग वहाँ पर भी सुन सकते हैं। सो लेट्स बिगिन, और देखते हैं कि जून 1 से 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। रिफ्लेक्शन का कार्ड आ रहा है। सो फ्रेंडशिप इन योर लाइफ में कम टू एन एंड। ओके, सो कुछ फ्रेंडशिप्स हैं जो भाई पीछे छूट रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि छोटी क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो हमारे अलग फ्रेंड्स होते हैं, बड़े हो जाते हैं तो कुछ अलग हो जाता है। तो सेम वैसा सा कुछ दिखाई दे रहा है। कुछ के लिए सेम भी होते हैं, बट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सम फ्रेंडशिप्स आर गोइंग टू एंड, और कई नई फ्रेंडशिप्स बन सकती हैं जो कि आगे के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती हैं, फ्रूटफुल हो सकती हैं, ब्लॉसम कर सकती हैं। सरप्राइज का कार्ड आ रहा है। एंजल्स कह रहे हैं देयर इज़ अ सरप्राइज वेटिंग फॉर यू एक्वेरियस। सोसाइटी से येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस। तो बाहर निकलिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए, बात कीजिए, स्टे येस टू ऑल द वंडरफुल इन्विटेशंस कमिंग योर वे। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स कहना चाह रहे हैं कोई न्यू लव इंटरेस्ट भी आप मिल सकता है आपको, और नेटवर्किंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही हैं। बर्न आउट, योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट। आप बहुत मेहनत करते हैं, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, और प्रोफेशनल फ्रंट पे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिए। यहाँ पे कह रहे हैं कि अपनी या अपने अराउंड जो भी लोग हैं उनकी हेल्थ का ख्याल रखिए, मे बी अ डेंटिस्ट और अ प्रोफेशनल, रेगुलर चेकअप। सरप्राइज का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि कोई भी सरप्राइज, हो सकता है आप किसी चीज़ को लेकर डिसअपॉइंट हुए हों और अचानक से कोई सरप्राइज़ मिल जाए, तो प्लेजेंट सरप्राइज आपको मिल सकता है। अब वो कैसे हो सकता है? इनविटेशन, कॉल लेटर, ऑफर, ऑफर ऑफ लव, प्लानिंग। नाउ इज़ द टाइम टू ले डाउन द फाउंडेशन। फाइनेंशियल गेन्स के लिए अच्छा है, अगर कुछ करना चाह रहे हैं उसके लिए टाइम अच्छा है। फाइनेंशियली अगर कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं, वट एवर, सो उसके लिए भी एंजल्स आपको कह रहे हैं द टाइम इज़ गुड। ओके, सो ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ओके, एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ भी काम को लेके। चलिए, अब ये तो हो गई ओवरऑल मैसेजेस जो हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रहे हैं। अब अगर लव लाइफ की बात कर लें, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर लव लाइफ। सो आई थिंक इट्स अबाउट दैट, चाहे ही आपके पार्टनर हैं, ठीक है, यू आर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एक्वेरियस, या हो सकता है इट्स कि आप फैमिली बॉन्डिंग चाहते हैं। हो सकता है कुछ माइंड में आपके कुछ बातें हों पास्ट को लेके, या आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, बट स्टिल आप चाहते हैं टू वर्क इट आउट। आप चाहते हैं कि फैमिली बॉन्ड हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, ऐसी सीनर्जी दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक या तो वो उनकी तबीयत, आई डोंट नो, दे आर नॉट फीलिंग वेल, या हो सकता है वो ब्रेक ले रहे हैं, या सिचुएशन थोड़ी स्टक है उनकी साइड से, और हो सकता है दे आर गोइंग थ्रू समथिंग। बेसिकली इट्स लाइक अ स्टक सिचुएशन। कुछ के लिए ये भी हो सकता है एंडेड समथिंग, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ एंड कर दिया है आपने। नाउ द सिचुएशन इज, ये जो रिलेशनशिप है, इट्स क्रॉस रोड्स पे आ चुका है। ठीक है, आउटकम अगर इस हफ्ते के लिए पूछे, आई थिंक इट्स अबाउट, फॉर सम पीपल, कुछ लोगों के लिए ये एक नई शुरुआत है किसी न्यू पर्सन के साथ। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि नया पर्सन कोई आ सकता है, एक नई शुरुआत हो सकती है। एंड फॉर अदर्स इट्स अबाउट कि वो रिलेशनशिप जो है, अब वो उस मोड़ पर आ चुका है, ठीक है, कि आपको डिसाइड करना है क्या करें क्या ना करें, ऐसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। या यूँ कह सकते हैं कि इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है। या हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो कैरिंग अ बर्डन,
आप कह नहीं सकते कि आप अकेले इस बर्डन को झेल रहे हैं, आप चाहते हैं ठीक हो जाए, कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, या यू नो रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें थोड़ी सी रिवाइव हो जाए, यू नो ठीक हो जाए, वैसी वाली एनर्जी है। बट स्टिल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड से वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं, तो आउटकम मुझे वैसा सा ही दिखाई दे रहा है। हाफ हाफ में डिवाइड हो रहा है यहाँ ग्रुप, आधे वो लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ बिट्रेयल है, ठीक है, यहाँ पे एंड हो चुका है, बिट्रेयल है, ख़त्म हो चुका है, नई शुरुआत हो रही है, और आधे वो हैं जो स्टिल इस चीज़ को भी कैरी कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए जी आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आपको देखना होगा इफ़ यू आर मैरिड, क्योंकि कई बार ईजी नहीं होता, ठीक है, तो आपको मैनेज करना पड़ता है, तो यू हैव टू सी वेल इन दैट केस। इन दैट केस आई थिंक इट्स अबाउट कि आप इस चीज़ को यू नो लाइक क्या बोले, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक ऑन ऑफ ट्राइंग टू मैनेज, कि आपको मैनेज करना पड़ेगा। चलिए बाबा का मैसेज देख लेते हैं अबाउट योर सिचुएशन दैट यू हैव टू मैनेज इट। मुझे लगता है वो ऑन ऑफ इस तरीके से ही आगे बढ़ने वाला है। ग्रोथ मास्टर्स लाइक पेरेंट्स गिव बिटर मेडिसिंस, ओके, हो सकता है आपके जो बड़े हैं या कोई हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको कुछ यू नो सिखा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कार्मिक, यू नो समथिंग यू आर गोइंग थ्रू कार्मिक, तो आपको वो यू हैव टू यू नो कम आउट ऑफ इट। अपने पेरेंट्स की सुनिए, वो आपको सही गाइड कर सकते हैं सिचुएशन में, वो आपकी क्लिनसिंग के लिए ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है, तो जो भी आपके बड़े बुजुर्ग आपको बता रहे हैं उसको फॉलो कीजिए, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू, और आपको तब सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए ये तो हो गई लव लाइफ की बात, जी हाँ सिंगल्स की बात नहीं की हमने, सिंगल्स प्लीज़ टाइम स्टैम्प सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर दिस वीक अहेड, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो यू आपकी कोई बात हो सकती है किसी से, नई शुरुआत हो सकती है, इनिशिएट हो सकता है कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल, किसी से बात हो सकती है, या आप इनिशिएट कर सकते हैं, आप शुरुआत कर सकते हैं, और मे बी इट्स अबाउट ऑल्सो कि कोई दूरी पे हो सकता है किसी से आपकी मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, टॉकिंग अबाउट योर करियर, सो इट्स बेसिकली लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, या हो सकता है कि देयर इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, आप वेट कर रहे हैं, आई थिंक वेटिंग, मुझे ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है बट आप इंतज़ार कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं, डिलेड एनर्जी या आपकी साइड से, मुझे ऐसा लग रहा है लाइक समथिंग इज़ देयर, कुछ है बट आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, या हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रही है, ओके। कुछ के लिए हो सकता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट कमिंग, कि कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, या आप वेट कर रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कुछ दिन में चीज़ें बदल सकती हैं, अच्छी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती हैं, मे बी अराउंड फुल मून या ऐसा कुछ हो सकता है कि तब कुछ चेंजेस आए आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके ग्रोथ, जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, तब तक शायद हो सकता है कोई पॉजिटिव चेंज ज़रूर आ सकता है। चलिए व्हाट एल्स, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, रिलेशनशिप करियर, फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट हो सकता है, डोर टू वैल्यू अबंडेंस, तो आप अच्छा कर सकते हैं, मे बी आप अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं, या नए दरवाजे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छा, बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है आपके लिए, लेकिन स्टार्टिंग में आई गेस एंजल्स ने कहा था उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए कि यू नीड टू यू नो फोकस ऑन योर हेल्थ एज वेल, कि आपको अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, दैट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, जैसे ये मुझे आँख में कुछ यू नो, सो सिमिलरली आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल करने की ज़रूरत है, यू नो, ओके। तो गाइडेंस देख लेते हैं कि ओवरऑल क्या गाइडेंस है, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे करियर है, क्या मैसेज आ रहा है बाबा की तरफ से, आपको क्या किस चीज़ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, यू नो, ओके, डिवाइन वननेस, ओके, सेम वही कार्ड्स आ रहे हैं, सो आई थिंक इट्स अबाउट कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है जिनको भी आप मानते हैं,
क्यों यहाँ पे सफरिंग्स दिखाई दे रहा, हो सकता है कि आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि कहते हैं ना ग्रेटेस्ट सोल गेट इवॉल्व आफ्टर लॉट ऑफ सफरिंग, सो समटाइम्स यू हैव टू गो थ्रू। वो स्पेसिफिकली किसी चीज़ के लिए हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, आपके करियर के लिए हो सकता है, एंजल्स आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हो कि आप इस चीज़ के थ्रू इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि आपको या तो उसमें से कोई लेसन लर्न करना है, या हो सकता है कि कोई आपको कुछ कह रहा है तो आपको सुनने की, आपको मानने की ज़रूरत है। यहाँ पे ग्रोथ का कार्ड आ रहा है, तो वो चीज़ें तब सॉर्ट आउट होंगी जब आप हो सकता है आपके अराउंड कोई लोग हों, बड़े बुजुर्ग, आपको उनकी सुनने की ज़रूरत है, या अब वो गुरु के रूप में भी हो सकते हैं, या आपके हो सकता है एक पार्टनर हो, या हो सकता है आपके माँ बाप हो, ठीक है, जो आपको कुछ बताना चाह रहे हो, तो आपको वो फॉलो करने की ज़रूरत है, या आप जिनको भी मानते हैं भगवान एक है, ठीक है, तो यू नीड टू सरेंडर। एंड कई बार सफरिंग्स के बाद इंसान बहुत कुछ अचीव करता है, तो वो बाबा यहाँ कहना चाह रहे हैं। एंड मोर ओवर वो आपके साथ हैं, इसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर दिस वीक, आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।